दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी से थक चुके हो? क्या आप भी जिंदगी में हार मान चुके हो? क्या सचमुच आप अपना जिंदगी में कुछ नहीं करने वाले हो? तो आपके लिए एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका सारा जीवन बदल जाएगा। यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट वे टू सक्सेस इन योर लाइफ। तो आप सभी ने सुना ही होगा स्वामी विवेकानंद जी का नाम। He was an Indian Hindu monk, philosopher, author, religious teacher, and also chief disciple of the Indian mystic Ramakrishna. स्वामी विवेकानंद जी एक दिन अपना कुत्ता को लेकर गार्डन में घूम रहा था, तो अचानक एक इंसान उससे मिलने आता है और बोलने लगता है कि गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी से हार का चुका हूँ। मैंने बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में सफल नहीं बन पाया। मैंने दिन रात एक करके बहुत कुछ करने की कोशिश की, फिर भी मैं कुछ नहीं बन पाया। इसका क्या कारण है? उस इंसान का बात सुनकर स्वामी जी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो ठीक है बेटे, तुम एक काम करो, ये मेरे कुत्ता को थोड़ी दूर तक टहला के लाओ, तब तक मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब तैयार रखता हूँ। स्वामी जी का बात सुनकर उस इंसान सोचने लगे, फिर वो कुत्ता को लेकर चल पड़े। जब उस इंसान कुत्ता को लेकर घर वापस आया, तो कुत्ता का हालत बहुत पतला था। कुत्ता थक गए थे और बड़े जोर जोर से सांसें ले रहा था, लेकिन उस इंसान बिल्कुल नॉर्मल हालत में वापस आया। स्वामी जी ने उन दोनों को देखकर पूछा, अरे बेटे, तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो, और इस कुत्ते को क्या हुआ? ये इतना क्यों कांप रहा है? इतना क्यों हांफ रहा है? इसे क्या हुआ बेटे? उस इंसान ने जवाब दिया, गुरुजी, जब मैं रास्ते पे चल रहा था, तो मैं सिर्फ अपना ही रास्ता देख के चल रहा था। मैं अपना ही रास्ता का फॉलो किया, लेकिन ये कुत्ता रास्ता से उतर कर दायां बायां भागने लगा। रास्ते में जो भी मिलता है उससे काटने की कोशिश करता है, और बहुत दूर दूर तक अपने दोस्तों के साथ दौड़ने लगा। इसीलिए गुरुजी, इसका ये हाल हुआ। बाहर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, माफी चाहता हूँ। स्वामी जी बोले, तो बेटे, आपका प्रश्न का जवाब यही तो है। अगर कोई भी जवान, कोई भी इंसान जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं, तो एक ही मंजिल पर फोकस करना होता है। अगर तुम किसी का बात सुन के, किसी का सक्सेस को देख के, दूसरों का कमाई देख के तुम भी वही करने लगोगे, तो जीवन में गिर जाओगे बेटे, फिर कभी नहीं उठ पाओगे। इसीलिए बेटे, जाओ तुम अपना अव्वल रास्ता को पहचानो और जीवन में तरक्की करो। उस इंसान ये बात सुनकर बहुत खुश होता है, फिर वो चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन आवर लाइफ, देन वी हैव टू शार्पली फोकस टू आवर डेस्टिनी। किसी का बातों में आकर, किसी का बहाव में आकर कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना चाहिए जिसे अपना ही नुकसान हो। बस अपनी मन की सुनो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रेस द लाइक बटन एंड टू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन दो यू गेट द न्यू नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल। बाय बाय, टेक केयर।